और वैसे काट लूंगी जो निकाल के फेंक दूंगी। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू सिस्टर्स। पर एक उम्मीद करती है कि आप सब ठीक होंगे, घरों में सेफ होंगे, मज़े से लाइफ एंजॉय कर रहे होंगे। आज है दूसरे अशरे की पहली सहरी, मतलब कि 11वें रोज़े की सहरी। तो बस यहाँ पर तैयारियाँ शयारियाँ ऐसे ही की हुई हैं। सालन वगैरह तो दाल बनी हुई थी और काफ़ी दिन बाद बनी हुई थी, तो बस बहुत मज़े ही लग रही थी वो खाने में, तो वही हमने आज सहरी में खानी है। बाजी और अम्मी लगे हुए हैं सहरी बनाने के लिए और बस अब हम यहाँ पर सहरी करने के लिए बैठ जाएंगे। दाल दी तो दाल बड़ी मज़े की लग रही थी, काफ़ी दिन बाद खाई। और फिर इसके बाद यहाँ पर हम बैठे हुए थे और सबसे ज़्यादा इसका डर था क्योंकि अगर ये उठ गई ना तो फिर ये सोने किसी को नहीं देगी, तो इसलिए इसको सोने दिया। वही सहरी में हमने कर ली है और सहरी करने के बाद यहाँ पर बैठे हैं, क्योंकि जो सबसे ज़्यादा डर है ना वो मुझे हमें अपने भांजों का है। अगर वो उठ गए ना तो वो दोबारा नहीं सोने देंगे, और बच्चों का यही होता है कि अगर वो सहरी में उठ गए तो फिर उनको चलाना ना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन सा हो जाता है, और फिर वो दूसरों की भी नींदें नहीं हराम करके रख देते हैं वो होता है। तो बस अभी यहाँ पर सहरी करके बैठ चुके हैं और फिर अब मैं दिन में आपके साथ शेयर करूँगी, उनके साथ थोड़ी सी नोकझोंक भरी बातें छाते हैं। तो चलिए जी, मिलते हैं फिर दिन में। दिन का टाइम हो चुका था और यहाँ पर काम करने के बाद ये थोड़ी सी क्लिप ली थी और इनके इतना मुँह कोई बना हुआ था क्योंकि मैंने इनको लैपटॉप देने से मना कर दिया था। मासूमियत तो चेक करें बस इनकी। अब दिखाते हैं इफ्तार की तैयारियाँ चल रही है, बस अभी फटाफट से कट लें मतलब कर लें ताकि फिर असर के अजान से पहले पहले ये नहीं मिट जाए। कट कर लिए हैं, बस थोड़ी देर में हम इसे कट मतलब बनाएंगे। तैयारी कर ली है, अंदर गेमा खेल रही हैं, दूसरी सिस्टर आई हुई है और यहाँ पर छोले भी उबलने के लिए रखे हुए हैं। वैसे तो बॉयल है और इसको एक बार और बॉयल कर लेंगे ताकि ताज़ी हो जाए। तैयारी कर रहे हैं ताकि इफ्तारी के साथ ही लगा देंगे। तैयारियाँ कर ली हैं, आलू भी डाल दिए हैं और बस अब चावल को मैं जल्दी से भिगो देती हूँ। चावल को भिगोने के बाद इसको पुलाव को पहले तैयार कर लेते हैं ताकि गैस ना चले जाए, क्योंकि एक आँच में चावल पक जाते हैं ना तो सही रहते हैं। और ये पीछे जो शोर आ रहा है ना, ये मेरे भांजे का, ये बहुत ज़्यादा मस्ती हो रहे सीन कुछ ऐसे हैं कि इफ्तारी से पहले भी इतने बर्तन और फिर इफ्तारी के बाद भी इतने सारे बर्तन धोने पड़ते हैं। हम लड़कियों को इतने काम क्यों होते हैं भाई? हो गए हैं, बस हम इसे पका लेते हैं और साथ ही में बन रहे हैं, कुक करते रहेंगे, फिर उसके बाद ये पुलाव तैयार हो जाएगा, बाकी की चीज़ें फिर तैयार कर लेंगे। और शुक्र है कि गैस आ रही थी और यहाँ पर बस हमारे चावल भी ऑलमोस्ट डन हो गए थे, तो बस इसको दम पे लगा रही थी। और आज मुझे यही डर था कि कहीं ऐसा ना हो कि गैस बीच में चले जाए और चावलों का सत्यानाश हो जाए। घर में खाने का मसला नहीं होता, लेकिन अगर कोई मेहमान आया हुआ हो और फिर कोई चीज़ अच्छी ना बने ना तो फिर ज़्यादा बुरा लगता है। तो बस यहाँ पर मेरी कोशिश यही थी कि अच्छे से अच्छा हम कर सकें, तो बस यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह गैस के होते हुए हमने चावल बना लिए थे और फिर बाकी की तैयारियाँ भी बस स्टार्ट करनी थी। आज एक और बाजी आई हुई थी तो दोनों मिली हुई थी, तो यहाँ पर उनके बच्चों का इतना कोई शोर गोल था ना तो वो मैं बिल्कुल भी नहीं ले सकती थी, वरना कान के पर्दे तो फट ही जाने थे। समोसे भी जल्दी से फटाफट फ्राई कर ही रहे थे, लेकिन एंड मोमेंट पे बस थोड़े से रह ही गए थे जब गैस चली गई। और यही डर होता है कि ना गैस चली जाए ना तो फिर मसला हो जाता है, लेकिन शुक्र के चावल पहले से रेडी हो गए थे। रहे हैं प्यार मोहब्बत के पकोड़े कौन से प्यार मोहब्बत के पकोड़े? हाँ, ये प्यार मोहब्बत के पकोड़े बन रहे हैं, मेरा डायलॉग बन गया आज। हाँ, ये आपके बल्कि ये डिश का नाम ही हो गया, प्यार मोहब्बत के पकोड़े। आज हम ज़्यादा लोग थे तो फिर इसीलिए बाहर इफ्तारी लगाई थी और बड़ा सा दस्तरखान बिछाकर बस यहाँ पर तमाम चीज़ें लगाई जा रही हैं और बच्चों की तो इफ्तारी भी शुरू हो गई थी। और ये है सबसे छोटू खोजेदार और बस इनकी तो इफ्तारी भी स्टार्ट हो गई है भाई, और यहाँ पर इफ्तारी के लिए बैठे हुए हैं। बच्चों की चेपा 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 चल रही हैं और इतना कंट्रोल से बैठकर इन्होंने दुआ मांगी है, अल्लाह जाने क्या मांगा है, लेकिन बस दुआ के लिए हाथ ज़रूर उठाए हैं। तो यहाँ पर बस इफ्तारी की अजान के लिए वेट कर रहे थे। अच्छा जी, तो दस्तरखान पे ना रोज़ेदारों से ज़्यादा बच्चों का इम्तिहान लग रहा है, क्योंकि इनको कंट्रोल करना बहुत मुश्किल काम होता है, क्योंकि बच्चे बस समझते हैं कि लग चुका है
है ना, बस आप इसे खाना ही खाना है। तो बस यहाँ पर इंतजार कर करके फाइनली इफ्तारी का टाइम हो गया और इफ्तारी कर ली। जा रही है 11th रोजे की विश और ये बहुत मुश्किलों से मैंने लिखी। अभी मुझे याद आया कि मैंने कुछ तो नहीं लिखा, कुछ तो नहीं किया। मुझे होता है ना कभी दिल में आती है कि कुछ रह गया है, कुछ कमी सी है। तो फिर मैंने रिकॉल किया पूरे दिन को कि मैंने क्या नहीं किया, तो फिर मुझे याद आया कि हाँ मैंने अपनी विश नहीं लिखी। और यहाँ पर मैंने अपनी 11th विश भी डाल दी है इस बॉक्स के अंदर। और बच्चे बच्चे अपने घर को चले गए हैं और बस अब वो अपने घर से इफ्तारी और वो हमेशा देखते हैं मेरे ब्लॉग्स। और आज हमारे साथ फिर इफ्तारी में शरीक थे तो बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा टाइम रहा। अभी अभी मैं नमाज अदा करके आई हूँ और मुझे याद आया कि मुझे चैनल पे नमाज अदा करके आई हूँ और मुझे याद आया कि मेरा एक यूट्यूब चैनल है और जिसकी मुझे एंडिंग करनी होती है। तो यार मैं अभी यहाँ पर एंडिंग करने के लिए आई हूँ। तो आज का यही था व्लॉग और 11th रोज़ा अल्हम्दुलिल्लाह कम्प्लीट हो चुका है। और बहुत ज़्यादा खूब रौनक लगी हुई थी घर के अंदर, बच्चे बच्चे आए हुए थे और खूब अच्छा रोज़ा गुजरा उनके साथ और बहुत मज़ा आया उनके साथ। आई होप कि आप लोगों ने भी एंजॉय किया होगा व्लॉग वीडियो देखने का। बहुत बहुत शुक्रिया, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग्स में। तब तक के लिए अपने और अपने घर वालों का बहुत सारा ख्याल रखिए, हमें दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।